हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में। ठीक है, तो सेल डिवीजन क्या होता है बताइए। सेल डिवीजन से मतलब ही समझ में आ रहा है, सेल का डिवाइड होना सेल डिवीजन कहलाता है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेल को डिवाइड करने का जरूरत ही क्या है, व्हाई सेल डिवीजन इज नेसेसरी। ठीक है, तो सेल डिवीजन इसलिए जरूरत है ताकि क्या हो, नए सेल्स बन सके। किस लिए जरूरत है? ताकि क्या हो, नए सेल्स जो है वो बन सके। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि भाई नए सेल्स की क्या जरूरत होती है? तो देखिए, नए सेल्स की बहुत सारी जरूरत है। ग्रोथ के लिए नए सेल्स की जरूरत होती है, रिप्लेसमेंट के लिए, जो पुराने सेल रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स की जरूरत होती है, क्योंकि हर सेल का क्या होता है, अपना एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो डाई कर जाते हैं। तो उसको, उसकी जगह पे जो नए सेल्स आएंगे वो कैसे आएंगे? थ्रू सेल डिवीजन। ठीक है, रिपेयर, अगर कोई रिपेयर के लिए भी क्या होता है, नए सेल्स की जरूरत होती है, क्योंकि अगर जो पुराने सेल्स किसी भी इंजरी एक्सीडेंट वगैरह के कारण अगर डैमेज हो जाते हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए भी हमें नए सेल्स की जरूरत होती है। और नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या होता है कि हमें नए सेल्स की जरूरत होती है, मतलब ताकि गैमेट्स फॉर्म हो और ये गैमेट्स फ्यूज होके न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाए। ठीक है, तो इतने सारी चीजों के लिए हमें क्या होता है, नए सेल्स की जरूरत होती है। तो सेल डिवीजन के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि क्रोमोसोम क्या है, क्योंकि ये सेल डिवीजन के टाइम पे आपको नेसेसरी है, मतलब जानना है कि क्रोमोसोम क्या है। और अचानक से मैं अगर आपको क्रोमोसोम बोल दूंगी तो आप बोलोगे कि ये क्रोमोसोम कहाँ से आया, ये क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर होता है। क्या होता है? क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, तब क्रोमैटिन फाइबर्स जो हैं वो तो हाईली कॉइल्ड, हाईली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो अब इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कॉपी करना या उसका डुप्लीकेट बनाना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होके, कॉयल होके क्रोमोजोम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? क्रोमोजोम बना लेते हैं। और ये क्रोमोजोम का आपका क्रोमैटिड्स है, ये क्रोमोजोम का क्या है, क्रोमैटिड्स है। और ये है आपका सेंट्रोमेयर। ठीक है, ये क्रोमैटिड्स जो है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, एकदम एक जैसे क्रोमैटिड्स हैं, और ये ज्वाइंट होते हैं सेंट्रोमेयर में। ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पे जो स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे वो इसी सेंट्रोमेयर से जाके अटैच होंगे, और ये जो क्रोमैटिड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग दो सेल्स को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि क्रोमोजोम बनता है। तो क्रोमोजोम क्या हो गया, क्रोमोजोम इज अ हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, अब हम लोग उसके बारे में, आप उसके बाद पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में। देखिए, सेल साइकिल क्या होता है, हर सेल का एक पर्टिकुलर साइकिल होता है जिसमें वो डिवाइड करता है, फिर वो ग्रो करता है, फिर वो रीडिवाइड करता है, फिर वो ग्रो करेगा, फिर डिवाइड करेगा। तो ये एक सेल साइक्लिक वे में होता है, तो इसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। क्या बोलते हैं इसको हम? सेल साइकिल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो पहले ना डिवाइड करता है, फिर उसके बाद वो थोड़ा ग्रो करता है, फिर वो रीडिवाइड करता है, फिर वो ग्रो करता है, देन फिर रीडिवाइड करता है। तो इसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। तो इन ऑर्डर फॉर अ सेल टू डिवाइड, इट मस्ट कंप्लीट सेवरल इंपॉर्टेंट टास्क। द सेल मस्ट ग्रो, सिंथेसाइज मटेरियल्स लाइक आरएनए, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो डुप्लीकेट्स इट्स डीएनए। ओके, तो फॉर सेल साइकिल कुछ इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो सेल को करने होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, आरएनए वगैरह का सिंथेसिस। ठीक है, ताकि वो ग्रो कर सके और अपने डीएनए को क्या कर सके, रिप्लिकेट कर सके। ठीक है, डीएनए का एक कॉपी बनाए तब ना वो डॉटर सेल में ट्रांसफर करेगा। तो वो सब जो है आपके रेस्टिंग फेज या ग्रोथ फेज में होता है। ठीक है, अब जो सेल साइकिल है, ठीक है, तो सेल टू परफॉर्म दीज टास्क इन ऑर्गेनाइज एंड प्रेडिक्टेबल सीरीज ऑफ इवेंट्स विच इज कॉल्ड अ सेल साइकिल। ठीक है, तो यही सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो साइकिल चलता है उसी को हम बोलते हैं सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल को दो फेज में बांटा गया है। सेल साइकिल को कितने फेज में बांटा गया है? दो फेज में बांटा गया है। ठीक है, एक है आपका नॉन डिवाइडिंग फेज। ये वाला जो फेज आप देख रहे हैं, इंटरफेज जिसको मैंने लिखा है, ये है आपका नॉन डिवाइडिंग फेज। इस फेज में क्या होता है, सेल जो होता है वो डिवाइड नहीं करता है, वो सिर्फ अपने आप को तैयार कर रहा होता है डिवीजन के लिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज। ठीक है, और इसका एक और नाम भी है इंटरफेज। ठीक है, इसमें सेल जो होता है वो अपने रेस्टिंग फेज में होता है। पहले इसको बोला जाता था कि लोगों को लगता था कि एक रेस्टिंग फेज है, इसमें सेल जो होता है डिवाइड नहीं करता है, बट ये रेस्टिंग फेज नहीं है, बट इन रियलिटी इट इज नॉट ट्रू। ओके, एज द सेल क्वाइट एक्टिव ड्यूरिंग इंटरफेज इन सिंथेसाइजिंग मोर डीएनए। ठीक है, दिस फेज में, इस फेज में क्या होता है कि सेल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा
एक्टिव होते हैं, ठीक है, रेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब डिवीजन नहीं कर रहे होते हैं, बट इस टाइम पे वो ऐसा बात नहीं है कि काम ही नहीं कर रहे होते हैं, वो इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और वो क्या करते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा डीएनए को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, ताकि वो उसको नेक्स्ट दो डॉटर सेल्स में बांटना है, इसीलिए ठीक है वो डीएनए सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपका जो ये नॉन डिवाइडिंग फेज है ये भी तीन पार्ट में बटा हुआ है, ये भी कितने पार्ट में बटा हुआ है, तीन पार्ट में। पहला है आपका जीवन फेज जिसको हम लोग फर्स्ट ग्रोथ फेज बोलते हैं, उसके बाद है आपका एस फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं, और उसके बाद आता है आपका G2 फेज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड ग्रोथ फेज, ठीक है। तो जीवन फेज में क्या होता है, जीवन फेज में आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये सब इस फेज में हो गया, जीवन फेज में, ठीक है। जीवन फेज के बाद सेल जो है या तो सिंथेसिस फेज में चला जाएगा या नहीं तो एक रेस्टिंग फेज में चला जाएगा। इस रेस्टिंग फेज, ये रेस्टिंग फेज को बोला जाता है जी नॉट फेज। जी नॉट फेज में क्या होता है कि सेल, अगर कोई सेल को डिवाइड नहीं करना है, अब वो फर्दर डिवीजन नहीं करना चाहता है अभी, तो वो G0 फेज में चला जाता है, जिसको जी नॉट फेज बोलते हैं, ठीक है, उसको रेस्टिंग फेज में। और नहीं तो अगर उसको डिवाइड कंटिन्यू करना है, डिवीजन के अंदर एंटर करना है, तो वो एस फेज में चला जाएगा। एस फेज का नाम ही सिंथेसिस फेज रखा गया है क्योंकि इस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे सेल साइकिल में डीएनए कहां पे सिंथेसिस होगा या डीएनए का नंबर डबल कब होगा, तो वो एस फेज में होता है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है पर क्रोमोसोम डुप्लीकेट करते हैं, पर अटैच रहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल चला जाता है आपका G2 फेज में। G2 फेज में क्या होता है, और ज्यादा आरएनए और ज्यादा प्रोटीन जो सेल डिवीजन के लिए जरूरत होता है वो सिंथेसाइज होता है। अब G2 फेज के बाद सेल जो है वो प्रिपेयर हो गया है डिवीजन के लिए, ठीक है। अब सेल जो है वो प्रिपेयर हो जाता है डिवीजन के लिए। तो एक सेल के साइकिल में सबसे ज्यादा फेज या सबसे ज्यादा टाइम जो होता है वो इंटरफेज का होता है। जो डिवीजन फेज है जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस फेज, वो बहुत ही थोड़ा समय का होता है। ज्यादा से ज्यादा समय का कौन सा फेज होता है, आपका इंटरफेज या नॉन डिवाइडिंग फेज होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे क्या हो गया, अब हम लोग चले गए हैं डिवीजन फेज में। अब सेल जो है वो डिवीजन फेज में एंटर कर गया। अब डिवीजन जो होता है ना सेल में, वो दो तरह का होता है। एक आपका होता है माइटोसिस, ठीक है, जिसमें डिप्लॉइड सेल्स जो है वो डिप्लॉइड सेल्स ही बनाता है, उसको बोलते हैं माइटोसिस। और दूसरा होता है आपका मियोसिस, ठीक है। मियोसिस में डिप्लॉइड सेल का क्या बन जाता है, हैप्लॉइड सेल बन जाता है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मियोसिस। इस सेक्शन में हम लोग सिर्फ माइटोसिस के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो माइटोसिस क्या है, माइटोसिस इज द सेल डिवीजन लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड सेल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एंड व्हाट इज मियोसिस, मियोसिस इज अ सेल डिवीजन लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड सेल्स और गैमेट्स, ओके। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि भाई माइटोसिस जो है, अगर सेल जो है डिवीजन फेज में चला गया, माइटोसिस हो रहा है, तो माइटोसिस कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि भाई माइटोसिस जो है कैसे होता है। अब देखिए, माइटोसिस भी दो स्टेप में कंप्लीट होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, और साइटोकाइनेसिस जो होता है उसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस फॉर साइटोकाइनेसिस फॉलोज कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, मतलब साइटोकाइनेसिस पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। पहले न्यूक्लियस जो है वो दो भाग में टूटेगा और फिर उसके बाद क्या है, साइटोप्लाज्म जो है वो दो में होकर टूटेगा, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में, ठीक है। ऐसे तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में माइटोसिस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सारे स्टेप्स इनके एक जैसे हैं, पर कुछ जगह पे ये अलग अलग है, वो मैं आपको एक साथ जब डिस्कस करती जाऊंगी तो बताते जाऊंगी, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक साथ माइटोसिस पढ़ेंगे। तो माइटोसिस भी फर्दर जो है वो चार फेज में डिवाइड है। एक है आपका प्रोफेज, एक है आपका मेटाफेज, एक है आपका एनाफेज और दूसरा है आपका टेलोफेज, ठीक है। तो ये चार फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसको लाइन बाय लाइन याद रखिएगा क्योंकि इसी के लाइन बाय लाइन ही क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो ये देखिए, ये आपका जो सेल है वो आपका हो गया इंटरफेज में, ठीक है। यहां पे सेल्स जो है वो इंटरफेज में है। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है, ठीक है।
अब क्या होता है कि जब अर्ली प्रोफेज होता है तो ये सेंट्रोसोम जो है ये डुप्लीकेट करके दो टू सेंट्रियोल बना लेते हैं, ठीक है, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में उस टाइम ज्यादा आपको अर्ली प्रोफेज में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद लेट प्रोफेज में क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियोलस है, जो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लेट प्रोफेज में सब क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। और जो दोनों सेंट्रियोल्स है वो दो पोल्स की तरफ चला जाएगा, टू अपोजिट पोल्स की तरफ चला जाएगा, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स क्या होंगे, अटैच होने लग जाएंगे सेंट्रोमियर से, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन होंगे और वो सेंट्रोमियर से अटैच होंगे। यहां पे भी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा बट यहां सेंट्रियोल्स नहीं होगा और वो लोग सेंट्रोमियर से क्या होंगे, अटैच होने लग जाएंगे, ठीक है। ये आपका लेट प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं सब क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा आपका मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होंगे कि मेटाफेजिक प्लेट्स में अपने आप को अलाइन कर लेंगे, मतलब बीच में सेल के बीच में मेटाफेजिक प्लेट में क्या कर लेंगे अपने, मतलब इक्वेटोरियल प्लेन में वो अपने आप को क्या कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे। तो इसका यही पहचान है। अगर आपको पूछे कि मेटाफेज का एक इंपॉर्टेंट फीचर बताइए तो मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो इक्वेटोरियल प्लेट्स के, इक्वेटोरियल प्लेन में पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अर्ली एनाफेज आएगा। अर्ली एनाफेज में क्या होगा कि ये सेंट्रोमेयर से क्या होगा, सेंट्रोमेयर स्प्लिट करेगा और जो क्रोमैटिड्स हैं वो अलग होंगे और वो किधर जाने लग जाएंगे, वो आपका अलग अलग जाने लग जाएंगे दोनों पोल्स की तरफ, ठीक है। इधर भी अपना पोल्स की तरफ और इधर भी अपने पोल्स की तरफ क्या हो जाएंगे, जाने लग जाएंगे। ये अर्ली एनाफेज है, ठीक है। उसके बाद लेट एनाफेज आएगा। लेट एनाफेज में वो पोल्स की तरफ क्या हो जाएंगे, पहुंच चुके होंगे, ठीक है, वो पहुंच चुके होंगे। तो एनाफेज का क्या पहचान है कि क्रोमोजोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल, ठीक है, क्रोमोजोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल, ये एनाफेज का आपका पहचान है, ठीक है। फिर आएगा आपका टेलोफेज। टेलोफेज को रिवर्स प्रोफेज भी बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या होगा, अब इसमें क्रोमोसोम है वो फिर से क्या हो जाएंगे, तीन होके आपका क्रोमैटिन फाइबर्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियस हो गया और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो रीअपियर होने लग जाएगा और यहां पे एक फ्यूरो बनने लग जाएगा, जिससे अब सेल जो है वो डिवाइड होने वाला है, मतलब साइटोकाइनेसिस अभी होने वाला है, ठीक है। पर प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस एक फ्यूरो बन के नहीं होता है, यहां पे उसकी जगह पे एक सेल प्लेट फॉर्म होता है, मिडिल से होता है। एनिमल सेल में साइड से बीच में आता है फ्यूरो और यहां पे बीच से क्या होता है, साइड में जाता है और सेल जो है वो दो में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये साइटोकाइनेसिस होगा आपका, यहां से ये वाला जो फ्यूरो है ये ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, इधर से ये ऐसे अंदर की तरफ जाते 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 ये दोनों एक जगह पे आके मिल जाएगा और सेल जो है वो दो डॉटर सेल में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो वापस से क्या हो जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे। रीअपियर तो आपका टेलोफेज में ही होने लग जाएगा, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स और जितने भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब रीअपियर हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, एक सेल प्लेट बनेगा और धीरे धीरे डिवाइड होते 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 साइड तक जाएगा और ये दो सेल्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपका खत्म हो गया माइटोसिस और कैरियोकाइनेसिस और यहां पे हो गया आपका साइटोकाइनेसिस, होके दो डॉटर सेल बन जाते हैं, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल के माइटोसिस में सिर्फ यही फर्क है कि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है। और इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस साइड से होते हुए बीच में जाता है और इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन बीच से होते हुए साइड में जाता है, बस। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए। थैंक यू।